नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पकवान गली में। मैं हूं आपका होस्ट ददन भाई। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में बेलन है, तो बेलन से बनेगा क्या, पूड़ी, पराठे या रोटी? तो आज मैं लेकर आया हूं पराठे की रेसिपी। जी हां, मेथी के पराठे की रेसिपी। ठंड में बहुत लाजवाब लगते हैं, तो मेरे पास है मेथी। मेथी को सिंपल कढ़ाई में डाल देना है, कोई पानी नहीं रखना इसमें, क्योंकि मेथी अपने आप पानी छोड़ेगा। और मेथी के डंठल मैंने काट लिए हैं, मेथी को चुना नहीं है। तो ये करते हैं गैस ऑन। तो मेथी डालने के बाद मैंने तीन मिर्च, हरी मिर्च बारीक काट ली हैं, मैं इसी में ऐड कर दूंगा, मिला दूंगा। और चार से पांच लहसुन की कलियां हैं, मैंने बारीक काट लिया है, ऐड कर लेते हैं। और नमक, स्वादानुसार नमक, तो मैंने ये हाफ छोटा चम्मच ले लिया है, आधा छोटा चम्मच, और ये मिला दिया है। थोड़ा इसे मिक्स कर लेंगे और ढककर मेथी को उबाल आने तक पकाएंगे, ताकि मेथी बढ़िया तरीके से उबल जाए और इसके डंठल जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो वेट करते हैं मेथी उबलने का। तो मेथी 10 से 12 मिनट तक हमने उबाला है इसे, और उबल गई है बढ़िया तरीके से। आप चेक भी कर सकते हैं, इसको जो डंठल है वो गल चुके हैं। तो मेथी उबल गई है, मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, जो इसका पानी था हल्का सा सुखा दिया है। मेथी बढ़िया तरीके से बॉयल हो गई है, और इसे मैं हटा देता हूँ आँच से। तो जब तक ये ठंडी हो रही है मेथी, हम लेते हैं आटा। और 2 कप मैंने आटा लिया हुआ है, आधा कप बेसन है, मिला लिया। और इसमें जाएगी ये अजवाइन। अजवाइन को बढ़िया सा टेस्ट लाने के लिए ना, हथेलियों में रख के और मसल लीजिए हल्का सा। थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत कम, 1/4 छोटा चम्मच। नमक हमने उसमें भी डाला था, मेथी में थोड़ा सा डालते हैं स्वाद अनुसार, और ज़रूरत लगी कि हम चेक कर लेंगे और बताएंगे कि अगर इसमें ज़्यादा नमक की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत और ज़रूरत है, तो हम डाल देंगे। और आटा, बेसन और जो मसाले हमने डाले हैं, उसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स कर लिया, थोड़ा सा मैं इसमें तेल भी डालूँगा। तेल डाल दिया, हाथों से थोड़ा सा मिक्स करते हैं बढ़िया तरीके से। मज़ेदार बनेगा। तो ये आटा बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया मैंने। अब इस पे मेथी, मैंने अभी इसमें पानी नहीं मिलाया है, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं पानी ऐड करूँगा इसमें आटा गूंदने के लिए। तो मिक्स कर लिया इसमें मैंने मेथी, थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है आटा गूंदने के लिए, तो मैं लेता हूँ पानी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के आप बढ़िया आटा गूंदेंगे। आटे को थोड़ा सा और चिकना करने के लिए मैं इस पे और थोड़ा सा तेल मिलाकर इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आटा रेडी है। तो मेथी पराठे के लिए आटा बिल्कुल तैयार है। करना क्या है कि अब इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। तो आटे की लोइयां बिल्कुल बना ली हैं, अब एक लोई लेकर पराठा बेलेंगे। पराठा बेलने के लिए मैंने सूखा आटा ले रखा है, तो हल्का सा इस पर सूखा आटा लगाया, पराठा बेलेंगे। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं, मैंने सूखा आटा लिया है। तो ये पराठा मैंने बेल लिया। मेथी पराठा थोड़ा सा मोटा ही रखें, अब इसे सेकने के लिए तवे पर रख देंगे। तो पराठा एक साइड हल्का सा सिक गया है, इसे पलटा लेंगे और उसके बाद तेल लगाएंगे। कई लोग क्या करते हैं कि एक साइड में पकने से पहले ही तेल लगा देते हैं, तो उससे जो पराठा है ना वो कच्चा रह जाता है। आप देख रहे हैं तेज आँच है, थोड़ी सी धीमी कर ली, और ये लगा दिया मैंने इस पर तेल, ये पलटा दिया। दूसरी साइड भी तेल लगा दिया हल्का। पराठा रेडी, इसे निकाल लेते हैं। ओहो, गर्मा गर्म पराठा। तो ये हमारे सारे पराठे बिल्कुल बनकर तैयार हैं। तो आइए करते हैं इनकी प्लेटिंग। प्लेटिंग के लिए मैं लूंगा एक पराठा और ये नाइफ, और बीच से कट कर देते हैं।
तो मेथी के पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको इनका बेहतरीन स्वाद चाहिए तो अचार और दही का रायता है इसके साथ लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए ददन भाई का सलाम।